हे गाइस, कैसे हो? तो मैं आज व्लॉग शूट करने वाली हूँ। तो अब मैं अभी तो मैं फ्रेश वगैरह नहीं हुई हूँ। 12 या 1 बज गए हैं, तो मैं जाती हूँ फ्रेश वगैरह, क्योंकि काम वाम कर रहे थे ना, इसीलिए। तो फ्रेश वगैरह होती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। देखते क्या कुछ करते, कुछ बनाते हैं, चलो। हे गाइस, तो मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ, और ये थ्रेड है मेरे पास, मैं थ्रेडिंग बनवाने जा रही हूँ। देखना कैसे हो रहा है। भाभी से बनवा रही, थोड़ी बहुत ही बनवा रही हूँ, तो चलते हैं। अभी मैं आ गई हूँ, भाभी वगैरह भी बनाएंगे ये आईब्रो वगैरह। अभी हम ड्रेस चूज़ कर रहे हैं, एक जो वीडियो आने वाली है। अभी और दिखाते हैं, रुको। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बट मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। और ये हम इसके साथ ट्राई करेंगे, ये ऑरेंज साड़ी है। हम ये वाला चूज़ किया है, हमने ये चूज़ किया है। और एक हमारे पास ये साड़ी है, ये पिंक वाली। एक हमारे पास ये साड़ी है, इसका कलर बहुत सुंदर है, न्यूली मैरिड के लायक बहुत ब्यूटीफुल कलर है इसका। देखो कॉम्बिनेशन इसका। और अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या डिसाइड करें। साड़ी तो बहुत है, हमने सब सामान डिसाइड कर लिया है, ले लिया है हमने। और इसमें बस सिर्फ मुझे, चलो बाहर जाके बात करते हैं, फिर आप मुझे ऐड करना है बैंगल्स जो भी भाभी पहन लेगी। और आईब्रो नहीं बनाई मैंने अभी तक, अभी बनाएंगे थोड़ी देर, 2 मिनट्स। अब आईब्रो बनने स्टार्ट हो गई है, बाय। मैंने आईब्रो बना ली है, देख लो आप। यार थोड़ा बहुत हल्का लग रहा है, पता है, इतना ना अजीब सा लग रहा था फेस। अब हम जा रहे हैं मेरे घर पे मेकअप वेकअप करने के लिए, तो वो वीडियो तो अलग से आएगी, तो मैं शूट करने के बाद ये व्लॉग शूट करूँगी। तो मैंने भाभी को रेडी कर लिया, वीडियो आ चुकी है, तो आप देख लीजिए। हाय। तो अब हम सब कुछ बदल चेंज वेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं, चाय वाय पीते देखते हैं। अभी हमने मेकअप वगैरह तो कर लिया है, और अब मैं बनाने वाली हूँ कुछ, मतलब ऐसे स्नैक्स में। हेलो गाइस, मैं भी हूँ। और हम स्नैक्स में बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं उसको, क्या बोलते हैं, खाजा करके कुछ नाम है उसका, वो बनाने वाले। और ये शूट करेगा वीडियो, ठीक है, क्योंकि जो शूट करना सो गई है। चलो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सामान ढूंढ रहा है, मिल ही नहीं रहा, देखते हैं कहाँ पे। उन्होंने बड़ा अच्छा मेकअप कर रखा है फिलहाल तो। थैंक यू। तो इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने ले लिया मैदा, और ये घी, और ये ना चावल का आटा चाहिए आपको, बट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये। ये है अरहरोड का आटा, पता नहीं क्या, और ये अजवाइन, ये अरहरोड जो बोलते पता नहीं क्या। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा, अब मैं इसे मैदे को डाल लूंगी इसमें। 2 कटोरी रखी मैंने, हाँ। तो यहाँ पे 85% मैदा डाल दिया हमने। गाइस, ये मैंने मैदा ले लिया है, और ये मैदू है, और अब मैं अजवाइन डालूंगी इसमें। अजवाइन जी आप डल जाओ इसमें, अरे मैं डालूंगी, खुद थोड़ा डलेगा। अब इसमें मैं डालूंगी घी, ये वाला घी, देसी घी। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना, स्वाद के अनुसार। यहाँ पे 61% नमक डाला हमने, पता नहीं कितना डाला, मुझे नहीं पता, नमक प्रो नहीं हूँ मैं, प्रो। अब हम इसमें ना हल्का हल्का पानी डाल के ना इसे गूंद लेंगे, जो मुझे आटा गूंदते ही है। अब मैं आटा गूंद रही हूँ खड़े खड़े यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगी है यार। आटा गूंदते हुए और यहाँ पे ये बनते हुए, और आटा गूंद लिया है यहाँ पे, आटा फिर आटा मैदा, इसे हम ढक के रख लेंगे 20 मिनट तक। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अरहरोड का मैंने आटा लिया है, लेकिन आपको यहाँ पे आप चावल का आटा भी ले सकते हो, और मैं इसे भी पेस्ट बना लूँगी जो हम उसके बीच में लगाएंगे। और अब मैं ये आटा भी वो कर रही हूँ, अरहरोड का जो आटा है इसको भी बना रही हूँ, ठीक है। मैं घी ऐड कर रही हूँ, घिया, इसमें घी ऐड कर रही हूँ मैं, घिया मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। 20 मिनट्स हो गए हैं, अब मैंने इसे निकाल लिया है, अब मैं इसकी गोला बना लूँगी, गोला। और ये मैंने इसे गोला कर लिया है, और अब मैं इसे इसमें लगा लूँगी, अब मैं इसे ऐसे लगा लूँगी ऐसे, मतलब इसको ना इतना बड़ा बना लूँगी, मतलब 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर तक बना दूँगी मैं इसे, ठीक है, 3-4 लेयर बना दूँगी जितनी भी बनेगी इस आटे में। और अब मैं इसे ना रोल कर लूँगी, रोलर रोलर, देन मैं इसे कट कर लूंगी, कट 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 बेल लेंगे इसे।
I'll dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. ये मैंने सारे बेल लिए होंगे, टूट गए हैं, बट कोई नहीं यार, देखते हैं कैसे बनते हैं। पहली बार ही तो ट्राई किया है। तो गाइस बहुत मेहनत के बाद ये मेरे से बने हैं और अब मैं इसे तल लेती हूँ। तलना तो पता है, पहले तेल गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ तलते हुए। ये बन रही है, देखो ये फूल रहे, छल्ला छल्ला दिख रहा है। मैं इसे बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा लुक। टेस्ट करेंगे और करवाएंगे। और बताओ कैसे बना है? जैसे ही बनाओ खा लेना। इसमें बहुत सारे फ्लेवर है, चटनी वटनी दही वही सब। अरे भाई आकर भाई तू आज यार पर माना यार अच्छी मस्त वाली बहुत अच्छी बाबू मेरी वाली यार। तो कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10 छत पे बैठी हुई हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ यहाँ पे और थोड़ी हवा खाऊंगी मैं। बाय। जिसने ज्यादा सब्सक्राइब और फॉलो करा, देखिए जिसने अच्छा बनाया है, जो बोलेगा कि अच्छा बनाया ना तो फिर वो रेड हाथ देगा, और अगर गंदा बनाया तो वो ब्लू हाथ देगा, तो फिर कुछ अच्छा ही बनेगा। प्लीज रेडी रहिएगा। और ये अभी सामान ढूंढ रही अभी, और ये सामान ढूंढ रही हैं, और अभी मैं हूँ इनकी स्ट्रीम में, और बाकी बस बाकी साहब गुड नाइट। आज नॉकडाउन है और दादी और मम्मी, मम्मी सुन, मम्मी सुन, तो वो चावल खा रही है दादी और मम्मी। मैं इसकी मम्मी हूँ। यहाँ पे हम मजे लेता हूँ, आजकल छुट्टियाँ पड़ रखी है तो नॉकडाउन के मजे लेता हूँ अलग ही। और ये रहा यहाँ पे मैदा, मैदा है, और यहाँ पे शीतल बॉय मेरी।